मेरे प्यारे भारतीय मित्रों, देवियों और सज्जनों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ साइप्रस आकर और आप सभी लोगों से मुलाकात करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। इतनी गर्मजोशी और प्रेम के साथ जो मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग यहाँ इतनी संख्या में मौजूद हैं, उससे ये बात सिद्ध होती है कि जो हमारी भारतीय परंपरा है, अतिथि देवो भव, उस परंपरा को आप बराबर निभा रहे हैं। कहा जाता है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो अपने साथ प्यार और सौहार्द साथ लेकर जाते हैं। आज जब मैं सुबह निकोसिया में पहुँचा तो एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे इंडियंस थे, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के खड़े हुए थे, तो मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में आया। लेकिन जब यहाँ पर आकर के आप सभी से मुलाकात कर रहा हूँ, तो आज का मुझे लगता है कि पूरा का पूरा दिन जो है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने देश के बाहर हूँ, बल्कि हिंदुस्तान के किसी शहर में हूँ। मैं अभी तक जिन देशों की यात्रा पर गया हूँ, उनमें जहाँ कहीं भी हमारे भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि उनके साथ एक मुलाकात हो। लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लोगों से आज मिलकर के जो मुझे खुशी और जो कुछ विशेष भाव मेरे मन में आ रहा है, और ऐसा भाव तभी आता है जब कोई अपने प्रियजनों से, परिवार वालों से और अपने मित्रों से मिलता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ ऐसा ही उत्साह और उल्लास मुझे यहाँ आप सबके बीच में आकर के देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मेरे शिष्टमंडल में, जैसा कि आपको भी बताया गया, कृषि और किसान कल्याण तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला आए हुए हैं। वो गुजरात से हैं। इसके अलावा मेरे साथ दो विशिष्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, जिनमें से एक श्री सुनील कुमार सिंह झारखंड से और दूसरे श्री राम शकल उत्तर प्रदेश से। अब देखिए, यहीं पर यदि हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें तो मिनी इंडिया तो हमें यहीं पर दिखता है। इस खूबसूरत देश के साथ हमारे बेहद नज़दीकी रिश्ते रहे। भारत और साइप्रस ने एक दूसरे के स्वाधीनता आंदोलनों में परस्पर समर्थन किया था, और आज़ादी प्राप्त करने के बाद एक राष्ट्र के रूप में प्रगति करने में एक दूसरे की सहायता की। साइप्रस की संस्कृति भी भारत की तरह प्राचीन संस्कृति है, विविधता और बहुसंस्कृति के बारे में इस देश की समझ बहुत गहरी है। उनका आचार विचार भी हमारे जैसा ही है। शायद इसी कारण से भारत और साइप्रस एक दूसरे को सहज मित्र मानते हैं। इस देश में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई भारतीय नेताओं के प्रति बहुत सम्मान है। इसी प्रकार साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति आर्च बिशप मकारियोस की हम
बहुत इज्जत करते हैं। हमने शायद आप सब बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, दिल्ली में सरकार ने आर्च बिशप मकारियोस के नाम पर एक सड़क का नामकरण किया है। साइप्रस ने हमारे राष्ट्रपिता को इस शहर में गरिमामय स्थान दिया। उनकी प्रतिमा संसद भवन के साथ ही स्थापित है। कल मैं उनके प्रति आदर व्यक्त करने वहाँ जाऊँगा। 1970 में यहाँ बापू की जन्म शताब्दी मनाई गई थी और उस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। साइप्रस वासियों के मन में महात्मा गांधी के प्रति जो सम्मान का भाव है, यही उसकी अभिव्यक्ति है। अब से ठीक एक महीने बाद, हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर से दुनिया भर में गांधी जी की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह शुरू होने वाले हैं। मुझे आशा है कि इन समारोहों में साइप्रस की भी एक अहम भूमिका रहेगी, सहभागिता रहेगी। मेरा आग्रह है कि महात्मा गांधी के संदेश और उनकी सोच को दूर दूर तक ले जाने में आप सब लोग भारतीय भी इस कार्य में सहायता करें। यहाँ मौजूद बहुत से लोगों को ये मालूम होगा कि यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत इस देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने में भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के महान सपूत जनरल के एस थिमैया ने 1965 में यहीं पर सेवा के दौरान अपने प्राण त्यागे थे। हम साइप्रस की जनता और यहाँ की सरकार की सराहना करते हैं कि उन्होंने लरनका से निकोसिया तक की सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया है। भारत से किसी राष्ट्रपति की साइप्रस यात्रा 9 वर्षों बाद हो रही है। इससे पहले 2009 में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल साइप्रस आई थी। उनसे भी पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में साइप्रस आए थे। आप जानते ही हैं कि अभी पिछले महीने ही उनका स्वर्गवास हुआ है। सर्वप्रिय राजनेता और प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्र निर्माण और भारतीय राजनीति में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कल मेरी राष्ट्रपति अनास तासिया देश के साथ मुलाकात होगी। हम लोग भारत और साइप्रस के बीच के संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। मुझे साइप्रस की संसद के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन को भी संबोधित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया है कि साइप्रस में भारतीय स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। दोनों देशों के युवाओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मैं साइप्रस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को भी संबोधित करूँगा और इस अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण भी करूंगा। आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनमें प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स शामिल हैं। आप लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से, कोई पंजाब से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई दक्षिण भारत से आया होगा, लेकिन हमारे बीच में जो एकता का सूत्र है वो हम सबको एकजुट बनाए रखता है और ये सूत्र है हमारी साझी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत। इसे लेकर आप में से कुछ लोग इस देश में कई वर्ष पहले आए होंगे, जबकि अन्य लोग अभी कुछ साल पहले ही आए होंगे। इस बीच भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। इस बार जब भी आप भारत आएंगे तो भारत को बदला हुआ जरूर पाएंगे और इसलिए मैं आपको आमंत्रित भी करता हूँ। आइए इस नए भारत को भी हम देखें। मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय समुदाय यहाँ शांत प्रेमी समुदाय के रूप में सम्मानित है। आप लोग स्थानीय समाज में अच्छी तरह घुल मिल गए हैं। इसके साथ ही आप साइप्रस के सामाजिक
आर्थिक विकास में तथा साइप्रस की तरक्की में अपना योगदान भी कर रहे हैं। आपके इस योगदान की सराहना साइप्रस की सरकार और यहाँ की जनता में भी साफ तौर पर देखी जाती है। अपने कठिन परिश्रम और डेडिकेशन से आपने हमें भी गौरव प्रदान किया। हम भारतीय इस मायने में भाग्यशाली हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ साझा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है। मुझे खुशी है कि आपने इस देश में अपनी सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखा है। मुझे बताया गया है कि आप यहाँ पूरे उल्लास उत्साह के साथ बैसाखी, होली, दिवाली, ईद और अन्य भारतीय त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएं। अभी डॉक्टर राघवन हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो योगा की बात कर रहे थे। इट वॉज को इंसिडेंट दैट ऑन 21 जून व्हेन द इंटायर वर्ल्ड सेलिब्रेट्स योगा डे आई हैपन टू बी इन सूरीनाम एंड ऑफ कोर्स इट वॉज ए हिस्टोरिकल इवेंट इन द सेंस that at one place two presidents of two countries jointly held yoga day and jointly celebrated it, myself and the president of Suriname. Anyway, but next day jab main Cuba gaya, yoga ki main baat kar raha hu, yoga ko leke aap sab log bhi yaha karte hain aur us day ko bhi celebrate karte hain. As we know, Cuba is a communist country. Cuba में जब मैं गया तो वहाँ के राष्ट्रपति जी ने योगा के बारे में हमसे चर्चा की और उन्होंने कहा अपने हाव भाव से कि I practice yoga daily and regularly to keep myself healthy mentally as well as physically. बहुत बड़ी बात थी। और उनकी जो फर्स्ट लेडी थी, हम लोग लंचियन टेबल पर बैठे हुए थे तो उनकी फर्स्ट लेडी ने सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा कि एक्सलेंसी आई थिंक योगा इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट दैट इंडिया हैज़ गिवन टू द इंटायर वर्ल्ड। योगा को हमें किसी रिलीजन से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। योगा इज ए फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, योगा इज ए फॉर्म ऑफ वी कैन से टू कीप यू फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी। हम सब लोग जो योगा नहीं भी सेलिब्रेट करते हैं क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक करते हैं। नहीं भी करते हैं तो व्हेन डॉक्टर एडवाइजेस यू देन यू डू इट। What is this? This is also a physical exercise, and yoga is nothing but a physical exercise. Let us take it in that sense. लेकिन योगा की जिसको हम कहते हैं कि खोज और उत्पत्ति भारत में हुई और आज उसको यदि विश्व ने कबूल किया है, एक वर्ल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका श्रेय जो है आप सबको और हर भारतीय को और भारत को जाता है। भारत अब विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी बन चुका है। पिछले क्वार्टर में हमने 8.2 की ग्रोथ रेट प्राप्त की है। चार वर्षों की अवधि में ही हमने 18,000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाकर देश के हर गांव का विद्युतीकरण किया है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया सहित सरकार के प्रमुख कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपने उज्ज्वला कार्यक्रम के जरिए हमने 5 करोड़ परिवारों को खाना बनाने के लिए स्वच्छ गैस उपलब्ध करवा दी है। आज भारत में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप भारत में अवसरों की तलाश करें और अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।
भारत की अपनी तरक्की में देश का नया आत्मविश्वास झलकता है। हमने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में उल्लेखनीय विस्तार किया है। युगों युगों से हम वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नीति रही है उसमें हम विश्वास करते हैं और विश्व भर को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए हमने विषम परिस्थितियों या नेचुरल डिजास्टर्स में भी फंसे केवल अपने लोगों को नहीं बचाया बल्कि अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक भी मदद का हाथ बढ़ाया। पिछले 4 वर्षों में हम विदेशों में मुसीबत में फंसे 90,000 से ज़्यादा नागरिकों को सुरक्षित बाहर लाने में सफल हुए। इनमें 50 से अधिक देशों के नागरिक शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने महसूस किया होगा कि अपने प्रवासी भारतीय समुदाय से जुड़ने और उन तक अपनी पहुंच बढ़ाने के हमारी सरकार के तौर तरीकों में एक बड़ा बदलाव आया। आई नो यू नो दिस हिंदी वर्ड प्रवासी भारतीय, दैट इज NRI। भारत और विदेश में बसे भारतीयों के बीच इमोशनली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और इंस्ट्रूमेंटलिटी इंस्टीट्यूशनली हमारे संबंध इन वर्षों में ज़्यादा गहरे हुए हैं। हमने OCI योजना को सरल बनाया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। हमने अपने हाई कमीशंस और एम्बेसीज को निर्देश दिया है कि वे ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहें। मुझे बताया गया है कि ये व्यवस्था अच्छे ढंग से काम कर रही है। इज दैट करेक्ट डॉक्टर राधवन? हम ये मानते हैं कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को मजबूत बनाने में हमारे प्रवासी भारतीय समुदाय हमारा महत्वपूर्ण साझीदार हैं। आप में से हर एक भारतीय की भूमिका भारत के संदेश को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सच है कि भारत सरकार ने यहाँ सीनियर डिप्लोमेट डॉक्टर राघवन को हाई कमिश्नर नियुक्त किया है, लेकिन इनको मैं मानता हूँ सरकारी हाई कमिश्नर। लेकिन आप सब लोग जो हैं वो हमारे कल्चरल एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। और मुझे पूरा भरोसा है कि साइप्रस के साथ भारत के रिश्तों को जो आज हैं उनको और भी मजबूत बनाने में आप अपनी भूमिका निभाएंगे। आज मुझे आप लोगों से मुलाकात करने का सुअवसर मिला है। इस अवसर पर मैं आपको निमंत्रण भी देता हूं कि आप लोग जब भी भारत आएं तो दिल्ली में एक राष्ट्रपति भवन होता है। ये भवन सभी भारतीयों का है, आप सबका भी है। एक ये राष्ट्र की धरोहर है, ये एक सामान्य बिल्डिंग नहीं है, राष्ट्र की धरोहर है। और उस धरोहर को देखने के लिए आप जरूर आएं। जब भी दिल्ली आएं तो एक बार जरूर राष्ट्रपति भवन देखिए और ये देख करके कि हाँ, इस पे ये राष्ट्रपति भवन, जिसको हम अपना भवन कहते हैं राष्ट्रपति भवन, क्योंकि उसमें जब राष्ट्रपति राष्ट्र का नाम आता है इसका मतलब ये है कि राष्ट्र से जुड़ा हुआ हर भारतीय उसका भी वो भवन है। एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां इतनी गर्मजोशी और प्यार के साथ जो आपने मेरा स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।